इंडिया का जज्बा देखो आप। तो मैं तीनों पैडल हाथ से चलाता था। बॉनफायर का इंतजाम भी हो चुका है। देखो ये रेसिपी लिख के लाए हैं। गाइस हमारा चीज चिली हो गया रेडी बन के। ये टायर में भी हवा मुंह से भरवाती है। चीजा और फुफड़ दो बंदे ऐसे जो नाने मुश्किल रहते हैं। तो गाइस आज की शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिनका जज्बा देखकर ये पता चला कि अगर इंसान ठान ले तो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। टीएसके ट्रैवल वर्ल्ड के नाम से चैनल है भैया का, और मैं कह रहा हूँ सारे जज्बे फेल है पूरे दुनिया के। भैया का जज्बा देखो आप। भैया कितने दूर भैया कहाँ से आए हैं? मैं नवा शहर पंजाब से भैया यहाँ पे आए हैं। गाइस अगर भैया आ सकते हैं ना तो फिर कोई भी आ सकता है, मैं ये कहूँगा। और भैया जैसी हिम्मत कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ आपको, कुछ बोल नहीं सकता मैं, शब्द है नहीं है, आप समझ गए मैं जो भी बोलना चाहता हूँ। भैया आपको देख के ना मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को टांग में दर्द हो जाती है, हाथ में दर्द होती है, यार मैं ये नहीं कर सकता। आपके अंदर जज्बा देख के ना कह रहा हूँ नो वर्ड्स यार, कोई वर्ड्स नहीं ना। अगर किसी को शौक है तो वही कर सकता है, शौक और हिम्मत रखें। अगर आपको शौक है, अगर आप हिम्मत नहीं जुटा रहे ना, फिर बस ये घर से निकलना ही पड़ेगा। देखो अब मैं 3 साल से तकरीबन घूम रहा हूँ, और मैं 2 बार लद्दाख हुआ हूँ। स्पीति मेरी थी, मैंने शुरू स्पीति से किया था। ये अगर आपके मन में है और आप थोड़ी सी भी हिम्मत करो तभी होगा। अगर आप मन में डर लेके चलोगे फिर नहीं होगा। भाई मैं घर से निकल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तो मैं 4,000 किलोमीटर तक अकेला को घूमता हूँ, अकेला जाऊंगा। कोई मिल जाए तो ले लेना साथ। आपकी गाड़ी जो है, आप कौन सी गाड़ी रखी है? मेरे पास थार है। मैं रात को रिव्यू करने गया था भैया की थार का, पर भैया वहाँ पे गाड़ी के पास नहीं थे, तो अभी मैं जाऊंगा। मुझे ना हाथ में भी चोट लग गई थी, मतलब गाड़ी, लेकिन आप खुद चलाते हैं? हाँ खुद ही चलाते हैं। सच में कह रहा हूँ भैया, कोई इसमें बोलने दो रहा नहीं है, आप धन्य हैं। तो गैस भैया को देख के मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, आपके दिमाग में बहुत सी चीजें आ जाएंगी। मतलब इतना जज्बा और इतना ज्यादा, मतलब शौक एक अलग चीज है गाइस। शौक तो हमें हर चीज को आ सकता है, पर जज्बा उसके लिए कहीं यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। आप हमारी भी जर्नी देखिए, आपको पता चलेगा हम कैसे पहुंचे हैं। पर मैं आपको ये कहूंगा, भैया की जर्नी मेरी जर्नी से भी पहले देखना, क्योंकि भैया की हिम्मत बहुत बड़ी है। और चैनल का नाम आपको बता दिया, टेंट सेटअप देखा मैंने रात को, भैया का टेंट सेटअप ऑसम था, पर मैं अंदर नहीं जा सकता था, भैया थे नहीं वहाँ पे। कोई बात नहीं, लेके जाए होता है वो, कोई भी देखे वो तो भैया आपकी गली जिंदगी हमने देखी है। तो आपको थोड़ी देर में भैया के सेटअप भी दिखाएंगे। थैंक यू भैया, ओके भाई, थैंक यू। बॉनफायर का इंतजाम भी हो चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब कल से आए हुए यहाँ पे, बहुत जबरदस्त माहौल है। तो गाइस भैया से आप मिल चुके हैं, हमारे कैंप के पास आए थे भैया। तो भैया की ये गाड़ी है, भैया आप बताएं इस गाड़ी के बारे में क्या? जी मेरी थार पहली शुरुआत इससे स्पीति की है, और बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत बढ़िया पावरफुल गाड़ी है, और ऑफ रोडिंग के लिए तो एक नंबर है गाड़ी यार। देखिए गाइस, थार को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, मतलब हर जगह पहुंच जाती है, पर थार से बहुत ऊपर जज्बा जो वो भैया का जो आपको मैंने बताया। गाइस ये देखिए, ये है भैया की थार, लाइटिंग है पूरी, क्या बात है भैया। गाइस ये देखिए, भैया ने मतलब ये बता दिया कि इंसान सिर्फ अपने आप चाहिए इंसान को, और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। और जैसे मैंने दरवाजा खोला ना गाइस, मैं हैरान हो गया, क्योंकि बहुत सेटअप देखे हैं। ये मैंने ना इसका मैकेनिज्म किया है, क्योंकि थार की सीट पूरी फोल्ड नहीं होती पीछे। जी जी जी। लेकिन मैंने ना यहाँ से थोड़ा इसको निकाल के इसका कोई यानी कि मैकेनिकल नुकसान नहीं किया, बिल्कुल जैसे ओरिजिनल वैसे के। थोड़ा सा ना पीछे जो जब सीट हमारी पीछे टच करती है जी जी। इसके पीछे एक लोहे का कप लगा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस कप का जो कट है ना, वो थोड़ा सा मैंने 1/2 इंच कट बढ़ा दिया है। क्या बात, और ये पूरी बैक नीचे चली जाती है। अच्छा, वो पूरी वही सीट ही लेटी हुई है, मतलब आपने गद्दा उसी का बना दिया। जितना थोड़ा सा ये जो थोड़ा इस चीज का गैप रह जाता है। हाँ जी, हाँ जी। उसके ऊपर मैंने वो हार्ड वाली फोम लेकर वो बना कर रखा हुआ। क्या बात है। और उसके ऊपर अपना एक गद्दा बना कर रख दिया। और फीचर ड्राइव करता हूँ, देखिए पहले मेरी स्कॉर्पियो थी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं टीएसके ट्रैवल वर्ल्ड पे, स्कॉर्पियो की भी मैंने वीडियो बनाई है। वो मैंने तीनों पैडल हाथ से चलाता था। अच्छा, इसे कैसे चलाते हैं भैया? तो इसका तो मैंने वो इट रखी है, एक्सीलेटर तो मैं पैर से दे लेता हूँ। जी जी जी। तो ये ब्रेक मेरे हाथ में। ओके 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 ओके। तो स्कॉर्पियो का मैं तीनों पैडल मेरे हाथ में होते हैं, क्लच ब्रेक रेस। ये तो आप स्पीति लेके गए गाड़ी, स्पीति तो 3 बार लद्दाख, और मैं बंदा आदि हो जाता है भैया, इतना आदि। मैं कह रहा हूँ ये ब्रेक के साथ, हाथ के साथ ब्रेक लगा के आप स्पीति लद्दाख। तो एक ब्रेक ही है स्कॉर्पियो का, तीनों हाथ में था। अच्छा, तीनों आप देखना भैया, वाकई में सल्यूट आपको जितने बार किया।
बहुत लोगों से मिला पर ये जज्बा नहीं मिला मेरे को। और ये हमारे सुनील भैया। हाय एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। तो गाइज ये है भैया का टेंट सेटअप, ये है भैया का शानदार बेड। तो गाइज ये है हमारे भैया की किचन। अगर अंदर बैठ के भी कुछ बनाना है तो छोटा चूल्हा पोर्टेबल रखा। हाँ, वो यहाँ पे देखो गाइज, ये मैं आपको बताता हूँ, ये है भैया का पूरा बेड जो अंदर भैया आराम से जिसपे सोते हैं। और अगर कहीं मतलब ऐसा मौसम है कि बाहर बैठ के कुछ नहीं बना सकते, यहाँ पे बैठ के भैया इस शेल्फ पे रख के इस तरफ मुंह करके यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, जो बुटेन गैस वाला छोटा चूल्हा आता है उसके साथ आराम से। तो गाइज ये हमारे भैया, ये मतलब ये अब हमारी फैमिली है। अभिजीत मेरा नाम है और परिधि मेरी वाइफ है। हमारा यूट्यूब चैनल है टैरेंट टेल्स, टैरेंट टेल्स के नाम से है। और रिसेंटली हमने स्टार्ट किया। मतलब भैया से बात करोगे ना आपको तो आपको ऐसे थोड़ी मंदिर वाली फीलिंग आएगी। सीरियसली बोल रहा हूँ जी, बातों के बहुत धनी है और नहीं, मन के उससे ज्यादा धनी मैं मानता हूँ। कुछ नहीं है पर भैया का मैं बता रहा हूँ आपको, भैया से बात करके ऐसा फील होता है। और ये हमारे भाभी है, ये देखो भैया का सेटअप बहुत शानदार है। ये हुंडई क्रेटा है, हुंडई क्रेटा है। मैंने ये किचन बॉक्स सेटअप करवाया, चार दिन के अंदर एक किचन बॉक्स सेटअप हुआ है। देखो चार दिन के अंदर क्या शानदार किचन सेटअप कर दिया भैया ने। ये देखो डबल बर्नर का गैस है, ये देखो है। आप एक टाइम पे नाश्ते में चाय पोहा चाय ब्रेड एक साथ बना सकते हैं। और ये पूरे मसाला पूरा सेटअप है ही, किसी भी टाइप का आपको खाने से रिलेटेड चाहिए। तो जैसे हम मसाला लेके आए हैं ना सारे, तो ये और इसमें एक चीज मेरे को बड़ी शानदार ये लगी कि भैया ने ये जो डब्बियां इस्तेमाल की है ना, हाँ जी, जैसे ये है ये स्केयर में है, इससे ये होगा कि इससे जगह वेस्ट नहीं होगी। जैसे गोल वाली हमारी जो डब्बी है वो गोल है तो उसमें ये दिक्कत रह जाती है कि बीच के जो गैप्स है वो जगह वेस्ट हो जाती है, तो उसमें पूरी जगह एक्वायर होती है। जी जी जी। तो ये फायदा है। इसमें बड़े बर्तन और बड़े डब्बे आते हैं मेरे राशन से रिलेटेड, जैसे दाल चावल। स्टेपनी आपके अंदर ही है? स्टेपनी अंदर ही है बिल्कुल। देखिए स्टेपनी से छेड़छाड़ नहीं की गई और ना ही अंदर सीट से की है। सोते हैं भैया भाभी ये टेंट में, टेंट की लाइफ बहुत कम्फर्टेबल रहती है। दो दिन हो गए हमारे को टेंट में सोते हुए, एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि यार हम कहाँ आ गए। हमारा 2 इंच का अच्छा मोटा गद्दा है, कंफर्टेबली मैं मेरी वाइफ और हमारा जो पेट है गुच्चू वो भी रेस्ट करी। देखो आप देखो उसमें रेस्ट करी। गाइस देखिए ये अकेले नहीं आए हुए, इनके साथ आया गुच्चू और वो पीछे है इनका पग डॉग, वो देखे पीछे। हाँ जी। वो गुच्चू है और इस टाइम वो आराम से सो रहा है। अगर ये उसको बोले वो देखे गाइस, ये है गुच्चू। ये भी इनके साथ साथ कैंपिंग का मजा उठाते हैं। ये देखो कितने आराम से, कोई इशू नहीं है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं परसों से देख रहा हूँ इसको आराम से कैंपिंग हो रही है हर जगह, जहाँ भैया जा रहे हैं साथ में है ये। तो भैया वाकई में आपका सेटअप तो शानदार है, आपके सदस्य सारे शानदार है। थैंक यू सर, बड़ी बात ये है। और पारुल जी जैसे एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ पे जो कि जम्मू से बिलोंग करते हैं और आगे जो जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने अलग अलग ट्रिप्स करी है, इन्होंने मेरे को बताया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, उससे सीख के ही हमने थोड़ा बहुत अप्लाई करने की कोशिश करी। कुछ नहीं भैया, हमने भी बहुत कुछ सीखा आपसे, तो एक दूसरे से हम सीखते हैं क्योंकि हम भाई हैं, सोच एक जैसी है तो एक दूसरे से सीखते ही है। तो प्लीज आप भैया के चैनल पर जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और औरों को भी बोले, मोटिवेट करें कि कैंपिंग करें और हमारे साथ कोलैब करें। तो चारों तरफ डिनर की एक्टिविटी खुला हुआ है, पड़ोस में भी किचन खुला हुआ है। और ये देखिए जम्मू का किचन, पारुल जी का किचन, और ये बना रहे हैं पनीर का कुछ स्पेशल बना है भैया। चिली, अच्छा चिली चीज, और देखिए आप ये, और ये खुद बना रहे हैं अपने आप, मतलब रंग इतने बढ़िया बढ़िया है इसमें। और पारुल जी कमाल है, आप तो भाई आपको देख के लोग भी कुछ करेंगे भाई। ये जरूरी नहीं है सारी महिलाएं काम करें, जेंट्स भी बहुत आगे हैं कैंपिंग में। तो जी ये देखो जी, अब जब सबके सोने का टाइम हो गया, रात के 12 बज गए हैं और पारुल जी ये सोच रहे हैं मुझे बनाना क्या है। और ये रेसिपी कहाँ है आपके फोन कहाँ लाओ यार जरा, ये तो प्लीज रेसिपी सबसे शेयर कीजिए प्लीज। देखो जी ये रेसिपी लिख के लाए हैं, तेल बनाना कैसे, तेल जल जाएगा, तेल की हवा टाइट हो चुकी है, तेल फूक चुका है पूरे का पूरा, अभी नहीं हुआ अभी ये पीला है, अब ये व्हाइट होगा तब डलेगा इसमें सामान। और मंत्र पढ़ के, मंत्र पढ़ के तेल जल रहा है, मंत्र मंत्र इसमें नहीं आएंगे, मंत्र हमारे अलग टाइप के। ओहो कर दिया फ्राई, ए डाल कैमरा इसमें, डाल तेल में, डाल दे तेल में, डाल दे कैमरा भाई, सेलिब्रिटी फील।
अरे हाँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शेफ पारुल ओम प्रभु शेफ पारुल एकदम भाई कैमरा डालना इसके अंदर शेफ मिस्टर पारुल कैमरा इन द कढ़ाई कैमरा इनसाइड द कढ़ाई जूम कर जूम फुल जूम आज मस्त मजे लो यहाँ आप थोड़ा पीछे हो जाओ पारुल जी आपकी वीडियो ना मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन में 5 लाख व्यू और दूसरे दिन में 70 करोड़ व्यू टेंशन ही ना लो आप यूट्यूब वाले आपको यूएसए का सीधा वीजा देंगे सर बताते हैं प्लीज कम हियर ये क्या करो अच्छा रेसिपी ना ये रेसिपी पढ़ ली आपने मंत्र पढ़ ली है वो लिया था ना एक आपने वो मंत्र मेरी रेसिपी में तो लिखा नहीं है वो लिया था वो करछी चाहिए यार करछी रेसिपी में कहाँ है ये वाली पूंछो पहले पूंछो गिल्ली है अभी पूंछ रही हो अरे पूंछ ले पहले टिश्यू से फुड़ फुड़ कर देगी तेल पनीर हो गया है अच्छे से फ्राई जिसको करना है हमने डीप फ्राई ये हो गया है शैलो फ्राई और शैलो फ्राई हो गया पनीर चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए इस चीज के लिए और पनीर को सारा जो है कॉर्न फ्लावर से लिपटा होना चाहिए पारुल जी की आंखें थोड़ी चुंधिया गई हैं तो मैं आ गया हूँ इनकी जगह पे पोजीशन लेने के लिए कैमरा शुड बी ऑन ऑलवेज कैमरा ऑन अंतरिक्ष कैमरा ऑन बस ठीक है मेरी कर्सी भी ऑन तो हम ये सिम कर दिए इन्होंने तेज होनी चाहिए फड़फड़ाता हुआ तभी तो पनीर जलेगा एकदम पनीर फुर फुर करके शैलो फ्राई होगा आपने इसको वो कर दिया सिम अब सिम में फ्राई होगा नहीं पनीर ठंडा हो गया लगे हुए हैं जी अभी पारुल जी जो है हमारे लगे हुए देखो ये रात को 12 बजे का टाइम है सबके सोने का टाइम है पारुल जी बैठ के हमें वो पढ़ रहे हैं मेनू कार्ड आ गया आपके पास ये 10 मिनट के अंदर बना के खिला देंगे आपको पनीर हो गया ब्राउन चक्कर पता क्या है ये पढ़ पढ़ के बना रहे हैं रेसिपी तो लिखा बहुत बारीक भाभी ने लिखा है ज्यादा बारीक भाभी ने अच्छा कौन लिखा है अच्छा ये डाउनलोड करके ले गूगल से स्पेशली वाइफ से लिखवा के लाए वही तू ही बता मुझे रेसिपी क्या है सो कटिंग भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से की है भाई यहाँ पर अब एंट्री हमारे नीरज जी की हो चुकी है और देखना प्रो लेवल में क्या बना रहे हो जी किचन में हमने धावा बोल दिया है पारुल जी को फुल सर पारुल जी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं रात के 12 बज चुके सबका खाना बन के खत्म होकर रेडी हो चुके सो भी सोने की तैयारी में और ये भी सोच रहे हैं कि बनाना क्या है ये भी रेसिपी पढ़ रहे हैं पढ़ने में लगे हैं क्या बात है इनको मतलब भाइयों पे भी भरोसा नहीं अरे अभी कि यार ये ना पनीर को तल नहीं रहा ये मस्ताना पनीर बना रहे हैं ये चीज नहीं है मस्ताना पनीर जो एक्चुअल जो चाइनीज का जो टच होने वाला है ना अभी होने वाला है जब इसमें कॉर्न का स्टार्च पड़ता है ना वो जो उसकी जो रबर कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो अभी आएगी देखो और इस टाइम इसको डिस्टर्ब मत करो जल ना जाए क्योंकि इससे बड़ा वो क्रूशियल होता है जब मिक्स करते हैं तो गाइस हमारा चीज चिली हो गया रेडी बन के अब देखना ये है कि सबको लगता कैसा है तो पहले जो कंजक आई है हमारे साथ उन्हीं को कराएंगे टेस्ट अरे वो अभी तो गैस ये हमारे भैया और हमारे जीजू भी हैं ऐसे क्योंकि इन्होंने प्रज्ञा देवी से शादी की है जो जम्मू से है पर हमारे भैया हैं क्योंकि जीजू वाले कोई इनमें अकड़ है नहीं है हम्बल है बहुत ज्यादा आप खुद बहुत हम्बल हो तो जो हम्बल होता है उसे सारे लगते हैं तो प्लीज ये बताओ कैसा लगा अच्छा ये इन्होंने बनाया है चीज चिली ऑलमोस्ट सबके सेटअप क्लोज हो रहे हैं भैया ने ना कहते कि मैं बना के जाऊंगा और खिलाऊंगा सबको तो पहले तो आप बहुत बात अच्छी लगी और मैं टेस्ट करके जरूर बताता हूँ बहुत यम बनाया ये मैंने बनाया भी अभी इस टाइम पे इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने मुझे मौका नहीं दिया कुछ बनाने का सर वाइट और सर
पारुल भैया जो जम्मू तो है कैंपिंग तो हमें तो बहुत मजा आया स्पेशली पारुल भाई के साथ। तो गाइस ये है हमारी प्यारी प्यारी फैमिली, ये तो है ही फैमिली इसको आप जानते हो। और ये है हमारे भाई साहब और ये है हमारी भाभी आजाद परिंदे, ये तीन चार दिन से हमारे साथ ही हैं। और ये हमारे भैया भाभी है, इनका है हील्स ऑन व्हील्स। और ये ऐसा डिपेन हिंदी में समझाता हूँ, ये हमारी बहन है जिनको चार साल पहले बड़ी मुश्किल से हमने क्लासी कराई थी इनसे, अब डोगरी में क्लासी करते क्या बताएंगे आपको, और फिर टक्कर गए हमें परसों से। तो ये है वो शरीफ इंसान जिनके पल्ले इनको डाल दिया हमने, ठीक है ना। ये टायर में भी हवा मुंह से भरवाती है, उसे हम तो खुद देखा ये चीज गरीबी है, ठीक है ना। पारुल भैया ने पंप ही नहीं दिया अपना, इतना प्यारा पंप रखा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का, पर जीजा जी ने इज्जत नहीं दी थी का मुंह तो हवा पर। मैंने घर जाके पहले बंधन मूवी देखनी है फिर इज्जत करनी शुरू कर दिया। तो गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब सोचा तो कुछ और था, हुआ कुछ और है। सच में कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ही ज्यादा हुआ एक्सपेक्टेशन से। और ये सच में मन नहीं कर रहा कि कल सुबह हम जाए, मन कर रहा और चार दिन भी रहने इकट्ठे तो कोई इशू नहीं है। मैंने किचन लाई थी, सब कुछ पूरा सामान लाया था, आपने देखा ये मेरा सेटअप जो भी मैंने रेडी किया था। इन लोगों ने मुझे किचन खोलने की जरूरत ही नहीं, वो आलू वाले परांठे उन्होंने खिलाया मेरे को, और इन्होंने मेरे को मतलब फ्रूट तक दिया है खाने के लिए, और मैं क्या बताऊँ, उन्होंने मुझे चाय तक पिला दी, हर चीज दे दी उन्होंने। अरे हमने सोचा आप रहने, ये तो इनकी किचन तो चल ही रही है चार दिन से, कुछ खाया नहीं मैंने खुद बना के। और ये जब से मेरी बहन मिली है जम्मू की चीजें बना के खिला रही है। एक्चुअली पता क्या है, ये सारा कुछ रेडी टू ईट लेके आया हूँ, हमने कहा क्यों पुराना बासी खाओगे, तब खिलाते हैं आपको। ये देखो इन्होंने नमक खा के भी हमारे साथ ये किया, पर इनको हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चीचा और फुफड़ दो बंदे ऐसे जो नवाब बनाने मुश्किल आते हैं, तो पंगा में ले नहीं सकते, चक्कर ये है। तो गाइस बहुत ही जबरदस्त रहा हमारा ये टूर, और इसकी सुबह भी शायद आपको कोई क्लिप दे रहे हैं हम या जो भी है, पर फिलहाल आज की हम क्लोजिंग करें क्योंकि 31 मार्च आज क्लोजिंग जो रही है बनती है, तो आज कर रहे हैं क्लोजिंग। और बहुत अच्छा लगा हमें, और लगता है कि आपको भी अच्छा लगा। और प्लीज इन सबके चैनल्स का नाम मैंने लिया, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, बहुत ज्यादा मेहनत की है सबने और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सारे। तो थैंक यू, बाय बाय।